Assalamu Alaikum and welcome to CricCast live matches or लाइव मैच चल रहा था ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया जो कि ऑस्ट्रेलिया ने एक बार फिर दूसरा ओडियाई अपने नाम किया 51 वन रन से जीत हासिल की और इंडिया नहीं पहुंच सकी उस ह्यूज टारगेट को कवर नहीं कर सकी बहुत ज्यादा रन ऑस्ट्रेलिया ने बनाए आज 390 का टारगेट सेट किया और जिस तरह परफॉर्मेंस इस वक्त ऑस्ट्रेलिया दे रही है और जिस तरह इंडिया इस वक्त दिख रहा है कि कितना रोहित शर्मा को मिस कर रही है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे बात करेंगे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें वीडियो को क्योंकि डिस्कशन का यहाँ आगाज कर रहे हैं सीरीज अपने नाम कर ली है ऑस्ट्रेलिया ने 2-0 से एक ओडीआई और बाकी रह गया और उस ओडीआई में देखना पड़ेगा किस तरह बाउंस बैक करती है इंडिया मगर जब आज के मैच की बात करते हैं और बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की तो बिल्कुल फ्राइडे की तरह जब वो फीलिंग हुई क्योंकि बहुत अच्छा एक स्टार्टअप दिया ओपनर्स की तरफ से फिंच और वार्नर ने बहुत अच्छा स्टार्ट दिया एंड देन स्मिथ कौन रोकेगा स्मिथ को स्मिथ को रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन लग रहा है बिल्कुल बैक बैक टू सेंचुरीज जो है वो स्मिथ स्मिथ ने बनाई और अनस्टॉपेबल थे जिस तरह स्मिथ खेले हैं आज ऐसा लगता है जैसे इंडिया ने वो रेट्रो जर्सी जैसी पहनी है तो फील्डिंग भी रेट्रो हो गई है काफी फील्डिंग के लैपसेस हुए स्मिथ को भी चांस मिला और उस चांस का भरपूर स्मिथ ने जो है वो फायदा उठाया बट बर... बहुत जरूरी है इंडिया के लिए कि इंडिया को कोई ना कोई सपोर्ट करे विराट कोहली ने आज अच्छी बैटिंग की मगर विराट कोहली का सपोर्ट देने के लिए कोई भी मौजूद नहीं था शिद्दत से मिस कर रहे होंगे वो रोहित शर्मा की प्रेजेंस को बिकॉज विराट के साथ अगर होता है कि रोहित परफॉर्म करके दे देते हैं अच्छा एक प्लेटफॉर्म सेट करके दे देते हैं कोई साथ दे रहा होता है विराट कोहली का तो ये रंस बिल्कुल अचीव हो सकते थे मगर फिर भी थ्री जब बोट पे लग जाता है तो पहले ही ऑपोजिशन जो है वो थोड़ा सा बैकफुट पे चली जाती है दो इट वॉज अ फ्लैट डेक बहुत मजे की पिच थी बैटिंग करने में मुझे लगता है जो बैट्समैन है उनको बड़ा मजा आ रहा होगा मगर वो सारा मजा जो है वो ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन ने उठाया और ऐसा लगता है कि आईपीएल की वजह से जो फटीक इंडियन प्लेयर्स को हुई भी है है वो दिख रही है, साफ वाजे हो रही है बिकॉज हाफ हार्टेडली शॉट्स खेले थकन दिखी बैट्समैन में और अच्छी परफॉर्मेंस उस तरह नहीं दिखा सके जितना उनसे एक्सपेक्ट किया गया था बट शुरुआत जो हुई वो बैट्समैन से पहले बोलर्स की तरफ से शुरुआत हुई जिस तरह बोलिंग की है इट्स जस्ट मोहम्मद शमी जो कि शमी बेहतर बोलिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं मगर उसके अलावा कोई बोलर ऐसा नहीं है जो कि इस मोमेंट पे खड़ा हो और स्टैंड ले सके अपनी टीम के लिए टीम इंडिया के लिए बुमराह फिर थोड़ा सा ऑफ कलर नजर आए बुमराह से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट किया जाता है बहुत ज्यादा डिपेंड करती है टीम इंडिया बुमराह के ऊपर और उस तरह की एक्सपेक्टेशन पे वो पूरा नहीं उतर पा रहे फिर जब हम नवदीप सैनी की बात करते हैं नवदीप सैनी भी पिछले मैच में भी रहे एक्सपेंसिव इस मैच में भी एक्सपेंसिव रहे ब्रेक थ्रू कोई नहीं दिलवा पा रहे थे अपनी टीम को और ब्रेक थ्रू नहीं दिलवा सके हर किस्म का ऑप्शन विराट कोहली ने इस्तेमाल किया कि किसी ना किसी तरह इनको रोक के रखा जाए ज्यादा रन ना बन सके मगर रन पे रन और रन क्या अंबार बनते चले गए अच्छा स्टार्ट मिला ऑस्ट्रेलिया को स्मिथ ने फिर सेंचुरी की साथ ही साथ ये जो एक डिफरेंस आपको बीच में देखा है जो कि पिछले मैच में और इस मैच में अगर मैं डिफरेंस बात करती हूँ सो पिछले मैच और इस मैच के डिफरेंस में लबु आज जो है वो ही हैज ज्वाइन दी पार्टी और उन्होंने जिस तरह खेला स्मिथ के साथ जिस तरह उन्होंने बैटिंग की फास्ट रन उन्होंने भी बनाए यानी जिस टीम की टॉप फाइव अगर 60 प्लस रन 60 ऑट प्लस रन करते हैं तो उसके बाद तो कुछ बचता ही नहीं है क्योंकि सारा डैमेज तो वही कर दिया जाता है इन दी एंड तेजी से आके जिस तरह मैक्सवेल खेले हैं ये वही मैक्सवेल हैं जो कि ऑफ कलर लग रहे थे ड्यूरिंग आईपीएल ये वही स्मिथ हैं जो कि ऑफ कलर लग रहे थे ड्यूरिंग आईपीएल मगर जैसे ही जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि येलो जर्सी पहनते ही ऑफ कलर से कलरफुल हो गए हैं और बड़ी बड़ी कलरफुल इनिंग्स जो है वो देखने को मिली स्मिथ की तरफ से मैक्सवेल की तरफ से बट ऐसा नहीं था इंडिया चेज नहीं कर सकती इंडिया एक ऐसी टीम है जो बड़े से बड़ा टारगेट चेज कर लेती है दे आर द बेस्ट चेजर्स इन द वर्ल्ड मगर इस वक्त ऐसा लग रहा है कि काफी बैकफुट पे ऑस्ट्रेलिया ने रखा हुआ है एक अच्छा स्टार्ट अः इंडिया को जरूरत थी कि शिद्दत से एक अच्छा स्टार्ट करें प्लेटफॉर्म वो ओपनर्स ने तो सेट नहीं किया मगर उसके बाद भी बड़ी तेज बड़ी तेजी से जो है वो किए इंडिया ने और बड़ी तेजी से कोशिश की करने की करने विराट कोहली जिस तरह खेले हैं उसी तरह और प्लेयर्स को उनको देख के खेलना चाहिए था उनका साथ देना चाहिए था मगर उस तरह का साथ नहीं दे पाए और बैटिंग में काफी डिसअपॉइंट किया जहां जहां जिन जो वीकलिंग थे थे या फिर जो इजी हिटिंग थे, उन पे भी कहीं चार्ज नहीं किया इंडियन बैट्समैन ने और जिस तरीके से बाकी जो अच्छी बोलिंग ऑस्ट्रेलिया की तरफ से दिखी वहां तो मौका ही नहीं मिल रहा था कि कोई शॉट मार सके कोई बड़ा शॉट मार सके मगर जहां चार्ज कर सकते थे मैक्सवेल पे कर सकते थे हेनरिक्स वो काफी अरसे बाद खेल रहे हैं एक चीज जो ऑस्ट्रेलिया ने किया था आए थे के ओवर्स पे मैक्सवेल के ओवर्स को लूटने की कोशिश कर सकते थे वहां पे कुछ रन बनाने की कोशिश कर सकते थे मगर वहां पे भी रन नहीं बना सके वरना थोड़ा सा ही रह गया था मार्जिन कोई ज्यादा नहीं है जो फिफ्टी रन का डिफरेंस बीच में आया ये फिफ्टी रन का डिफरेंस वहां ओवरकम किया जा सकता था कि चार्ज कर सकते थे हेनरिक्स के ऊपर मैक्सवेल के ऊपर इन दी एंड ऐसा ही लगा कि कोहली एक लोन वॉरियर की तरह खड़े रहे और कोहली ने आ, काफी कोशिश की कि कि बना के दे दें दे अपनी टीम को थोड़ा सा इजी स्पेस में ले जाएं फिर नीचे आके जो बैटिंग करें उनको आसानी हो मगर ऐसा किसी ने उस आसानी का फायदा नहीं उठाया और उस तरीके से साथ नहीं दिया विराट कोहली का के राहुल की बात करें तो के राहुल ने खेला तो तेज खेला जिस तरह उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है बट देन साथ साथ खेलना चाहिए था रन बनाने चाहिए थे मगर चाहिए था चाहिए थे ऐसा कुछ नहीं हुआ और इवेंचुअली ऑस्ट्रेलिया ने 51 वन रन से जो जीत हासिल की है सो so, ये सीरीज अपने नाम कर दी है मगर अब फिर से बैठेंगे टेबल पे और विराट कोहली जो है वो इतनी देर खामोशी से नहीं बैठ सकते सोचेंगे किस तरह क्या चेंज करना चाहिए तीसरे ओडीआई में क्या डिफरेंस लेकर आना चाहिए कि कहीं ओडीआई सीरीज क्लीन स्वीप ना हो जाए बट आज जिस तरह स्मिथ खेले हैं या पिछले मैच में भी जिस तरह स्मिथ खेले थे जो 2-1 की जीत 2018 में इंडिया ने हासिल की थी जीती थी वो ऐसा लग रहा है कि उसका पूरा बदला लेने के लिए स्मिथ यहाँ पे मौजूद हैं क्योंकि स्मिथ और वार्नर की एब्सेंस थी वो नहीं मौजूद थे उस सीरीज में तो अब ऐसा लग रहा है कि वो अपनी एबसेंस का पूरी तरह जब वो प्रेजेंट हुए हैं तो पूरी तरह बता रहे हैं कि कितने इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं कितने इम्पोर्टेंट हैं हम टीम ऑस्ट्रेलिया के लिए और उस इंपॉर्टेंस को उन्होंने शो किया है बैक टू बैक हंड्रेड करके सो so, 2018 की जो ऑस्ट्रेलिया की टीम थी साफ वाजे हो गया है कि वो बहुत ज्यादा डिफरेंट और बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड और बहुत ज्यादा बेहतर हो गई है लबू शान वो लबुशाने नहीं है जो कि 2018 में थे अब एक बहुत ही कोई एक्सपीरियंस प्लेयर हो गए हैं वो ऑस्ट्रेलिया के लिए सो so, वेरी डिफरेंट टीम और जिस तरह वो डिफरेंट साफ वाजे था कोशिश की जाती तो इंडिया भी पहुंच सकती थी उस टारगेट तक मगर आ, कोशिश डेफिनेटली अपनी तरफ से तो की होगी मगर उस तरह से इम्प्रेस नहीं कर सके विराट कोहली का साथ नहीं दे सके so, आज विराट कोहली कुछ थोड़ा सा अकेला महसूस कर रहे होंगे कहीं ना कहीं रोहित शर्मा की याद जरूर आई होगी विराट कोहली को कि रोहित तो ऊपर से अच्छे रन बनाकर देते या फिर अगर आ, ओपनर जल्दी आउट हो जाता है तो रोहित तो और विराट जिस तरह खेलते हैं मिडल में आकर उस तरह की कोई पार्टनरशिप लग जाती उस तरह की पार्टनरशिप को काफी आज विराट कोहली ने मिस किया होगा बट मेजर ब्लेम अगर किया जाए तो वो ब्लेम बोलर्स को किया जाए बिकॉज बहुत रन होते हैं 390 इस वक्त ऑस्ट्रेलिया की अगर मैं बात करूं तो इस वेन्यू का हाईएस्ट ये स्कोर ऑस्ट्रेलिया का हो गया यहाँ पे सो so, uh, 390 जब बोर्ड पे लग जाते हैं तो पहले ही जरा बैकफुट पे आपको दिखने लगती है दूसरी टीम बट इवन देन फाइट बैक दिखी इंडिया की तरफ से फिफ्टी रन शॉर्ट फिफ्टी अच्छे खासे रन होते हैं मगर जिस तरह खेल रहे थे शायद थोड़ी सी और जिम्मेदारी उठाते शायद पांड्या की तरफ से और जिम्मेदारी हमें उठाते हुए दिखते पांड्या सो कुछ बेहतर हो जाता टीम इंडिया के लिए मगर वो बेहतर नहीं हो सका टू जीरो से सीरीज ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम कर लिया है एक आखिरी ओडीआई रह गया है देखना यह है कि कैसे इंडिया अब इस आखिरी ओडीआई में परफॉर्म करेगा क्या बाउंस बैक करने की कैपेबिलिटी है टीम इंडिया के पास या फिर डीमोरलाइज